वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है फिगरिंग विद एक्स्ट्रा थ्रेड्स सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वेफ्ट। जैसा कि फिगरिंग विद एक्स्ट्रा थ्रेड्स का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ले चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पुनः हम इसको पढ़ लेते हैं कि अतिरिक्त धागों को कपड़े के ऊपरी सतह पर छोटी छोटी पूरक आकृतियों के रूप में इंटरलेस किया जाता है, या इस तरह की बनावट जो फैब्रिक की सतह पर फ्लोट करती हैं वो अतिरिक्त धागों से बनाई जाती हैं। उन अतिरिक्त धागों का मतलब होता है कपड़े के पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाना, जिसमें एक या एक से अधिक ताना या बाना उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त धागा, जो कि सप्लीमेंट्री थ्रेड के रूप में भी जाना जाता है, इसको जिस जगह पर ग्राउंड वार्प के साथ डाला जाता है वहाँ पर ये डेकोरेटिव डिजाइंस को बनाता है, और इन ये एक्स्ट्रा थ्रेड्स जो है वो डेकोरेटिव थ्रेड डिजाइन को के प्रभाव में इफेक्ट को बढ़ाते हैं, और उस इफेक्ट को हाईलाइट करने के लिए, एक्स्ट्रा फिगर को हाईलाइट करने के लिए ग्राउंड को जनरली साधारण लिया जाता है, साधारण वीव या ट्विल वीव के रूप में बनाया जाता है। टाइप्स, फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार, फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वेफ्ट और फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प एंड वेफ्ट बोथ। तो आज के इस टॉपिक में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वेफ्ट, यानी कि अतिरिक्त बाना से फिगरिंग करना। जब अतिरिक्त धागा जो कि सप्लीमेंट्री वेफ्ट के रूप में या एक्स्ट्रा वेफ्ट के रूप में पिक के रूप में डाला जाता है, तब ग्राउंड के कपड़े की सतह के ऊपर बनने वाली सजावटी आकृतियां बाने फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वेफ्ट कहलाती हैं, जो कि वेफ्ट की डायरेक्शन में उनका फ्लोट दिखाई देता है। इसमें वेफ्ट की दो सीरीज काम में ली जाती हैं, एक ग्राउंड वेफ्ट और दूसरा फिगर्ड वेफ्ट काम में लेते हैं। फिगरिंग अतिरिक्त धागों से बनने वाली आकृतियां या मोटिफ जितने कलर्स की होंगी, जितने रंगों में वो मोटिफ बना होगा, उतने ही रंगों के अतिरिक्त धागे हमें काम में लेने होंगे, और इसमें एक्स्ट्रा वेफ्ट को बनाने के लिए लूम के ऊपर ड्रॉप बॉक्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि अलग अलग कलर के वेफ्ट डिजाइन के अनुसार इंसर्ट किए जा सके। वह जगह जहां पर हम एक्स्ट्रा थ्रेड्स को डालेंगे वहां ग्राउंड के साथ में उनका अनुपात 1:1, 1:2, 1:3 एंड सो ऑन हम ले सकते हैं उसके आवश्यकता के अनुसार, जिसमें कि थ्रेड की थिकनेस, उसका काउंट, उसका ट्विस्ट उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सा अनुपात उसके ऊपर लेना है। अब हम फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वेफ्ट को ग्राफ के ऊपर कैसे बनाया जा सकता है उस मेथड की डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो स्टेप्स एंड मार्क्स यूज दिया गया है, देखिए यहाँ भी हम एक्स्ट्रा वार्प की तरह ही सबसे पहले हमें इसमें ग्राउंड वीव की आवश्यकता है और दूसरा फिर फिगर्ड वीव जो हमें बनाना है उसका मोटिफ हमें इसमें चाहिए होगा। तो इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो इस तरह हैं। पहला फिगर्ड वीव जो कि हमने क्रॉस से शो किया है, ग्राउंड वीव जिसको हमने सर्किल से शो किया है, और रेशियो, रेशियो यहाँ भी हमने 1:1 का लिया है, यानी एक ग्राउंड और एक फिगर जिसको कि हम अल्टरनेट अरेंज करेंगे ग्राफ के अंदर, पहला ग्राउंड और दूसरा फिगर, फिर ग्राउंड फिर फिगर, इस तरह हम उसको मार्क करेंगे। वीव की साइज अनुपात के अनुसार, क्योंकि हमने मोटिफ जो है जो लिया है उसमें वेफ्ट आठ, वेफ्ट वाइज आठ थ्रेड्स हैं, तो हमने उसको आठ थ्रेड को डबल उस पर लिया है, और ग्राउंड में ताना जो लिया है वो हमने 10 धागों पर लिया है, क्योंकि प्लेन वीव लिया है इसलिए हम इसको 10 पर बना रहे हैं। वार्प जिसमें 10 लिया है और वार्प में 8 धागे ग्राउंड के और 8 फिगर के लेकर 16 पर हमने इसको बनाया है। इस तरह वीव की जो साइज हुई वो 10/16।
नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने मार्क थ्रेड्स एज जी फॉर ग्राउंड, ग्राउंड के धागों को हमने जी से मार्क किया है और फिगर के धागों को हमने एफ से मार्क किया है, और फिर इसी तरह फिल ग्राउंड वीव इन ग्राउंड थ्रेड्स, यानी कि ग्राउंड का जो वीव है उसको ग्राउंड के थ्रेड्स में हम मार्क करेंगे, और लास्ट स्टेप जो है उसमें फिगर्ड वीव को फिगर थ्रेड्स में मार्क करेंगे। देखिए इसमें यहाँ पर ग्राउंड वीव हमने प्लेन ही लिया है वन अप वन डाउन, और मोटिफ में हमने 10x8 पर हमने ये मोटिफ बनाया है जिसमें क्रॉस से इसको मार्क किया है और रेड कलर से हमने हाईलाइट किया है। अब इसको वीव बनाने के लिए हमने जो साइज लिया है उसके अकॉर्डिंग 10 थ्रेड्स हमारे वार्प के हैं, और वेफ्ट को हमने 16 थ्रेड्स पे लिया है जिसमें अल्टरनेट ग्राउंड फैब्रिक ग्राउंड फिगर ग्राउंड फिगर ग्राउंड फिगर हमने मार्क किया है और एरो फिगर को हमने एरो से दर्शाया है। अब हम इसको ग्राउंड के थ्रेड्स में प्लेन वीव हम फिल कर देंगे जो कि सर्किल से दिखाया गया है, और फिगर्ड वीव को क्रॉस और रेड कलर से हाईलाइट करके इसमें दिखाया गया है। इस तरह ये हम अपना वीव बनाते हैं सिंगल कलर में। एक्स्ट्रा फिगरिंग फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वेफ्ट को डबल कलर में बनाने के लिए स्टेप्स में कुछ चेंजेस करके हमने बनाया है। पहला स्टेप ग्राउंड वीव जिसको हमने सर्किल से मार्क किया है, फिगर्ड वीव में क्योंकि दो कलर हमने लिए हैं तो इसमें पहले कलर के लिए हमने क्रॉस यूज़ किया है और दूसरे कलर के लिए हमने स्लैश यूज़ किया है। रेशियो इसमें भी हमने 1:1 ही लिया है, और जिसमें हम अरेंजमेंट करेंगे ग्राउंड फिगर वन और फिगर टू, जितने हम कलर होंगे उसके अकॉर्डिंग हम थ्रेड्स को उसमें अरेंज करते हैं। वीव का साइज 10x22 है, वार्प जिसमें 10 हैं, और वेफ्ट में 8 ग्राउंड के और 8 फिगर 1 के और 6 फिगर 2 के, यानी एक पहले कलर के 8 धागे और दूसरे कलर के 6 धागे, इस तरह टोटल 22 थ्रेड्स पर हम इसको बनाएंगे। पांचवा स्टेप वही है, मार्क जी फॉर ग्राउंड, मार्क F1 फॉर कलर 1, मार्क F2 फॉर कलर 2, एंड नेक्स्ट फिल ग्राउंड वीव इन ग्राउंड थ्रेड्स एंड फिल फिगर वीव इन फिगर थ्रेड्स। देखिए ये मोटिफ है जिसमें हमने दो कलर लिए हैं, हाईलाइट किया है रेड कलर से फर्स्ट कलर को और ग्रीन कलर से सेकंड कलर को। ये जब अरेंजमेंट जो है थ्रेड्स का अरेंजमेंट हमने इस तरह लिया है, ग्राउंड फिगर वन देन फिगर टू, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में दो कलर आए हैं वहाँ पर हमने एक कलर की F1 रेड के लिए और ग्रीन कलर के लिए F2 मार्क किया है और उनको अलग अलग एरो से भी दर्शाया है। इस तरह जहाँ पर ग्राउंड है वहाँ हमने ग्राउंड व्यू फिल कर दिया प्लेन व्यू, और फिगर F1 में कलर 1 जिसको क्रॉस और रेड कलर से हाईलाइट किया है, और F2 जहाँ पर स्लैश और ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। इस तरह ये हमारा दो कलर में फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वेफ्ट का भी तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं कि फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प एंड एक्स्ट्रा वेफ्ट में क्या अंतर होते हैं। सबसे पहला जो अंतर है, जहां एक्स्ट्रा वार्प में कोई अतिरिक्त शटल बॉक्स और स्पेशल टेकअप मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती, वहीं एक्स्ट्रा वेफ्ट में ड्रॉप बॉक्स के साथ साथ मॉडिफाइड टेकअप मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। दूसरा जो अंतर है, एडिशनल वार बीम एक्स्ट्रा वार बीम लूम के ऊपर जितने हमारे कलर होंगे दो या दो से अधिक उतने बीम की आवश्यकता होगी, जबकि वेफ्ट में सिर्फ एक ही बीम की आवश्यकता होगी। तीसरा जो अंतर है, जैसे कि एक ही प्रकार का बाना डाला जाता है जिससे कि प्रोडक्शन रेगुलर रहता है कंटिन्यूस रहता है तो उसका उत्पादन भी अधिक होता है प्रोडक्शन अधिक होता है,
जबकि वेफ्ट में क्योंकि एक से ज़्यादा वेफ्ट डाले जाते हैं जिससे ड्रॉप बॉक्स मोशन काम में लेते हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है एक्स्ट्रा वार्प में फिगरिंग धागों को वैकल्पिक रूप से यानी अल्टरनेट रूप से व्यवस्थित कर धारीदार और चित्तीदार यानी चेक्स स्ट्राइप्स और चेक्स का प्रभाव लाया जा सकता है, जबकि वेफ्ट में स्ट्राइप्स और चेक का बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट है अच्छी मजबूती का ताना यार्न की आवश्यकता होती है एक्स्ट्रा वार्प में, जबकि एक्स्ट्रा वेफ्ट में बहुत अधिक मजबूती के ताने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल साधारण मजबूती का ताना भी काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है ड्राफ्ट आमतौर पर जटिल होते हैं, एक्स्ट्रा वार्प में कॉम्प्लेक्स ड्राफ्ट काम में लिए जाते हैं क्योंकि हमारा जो ड्राफ्ट मोटिफ जो है वो वार्प में ही बनेगा जिससे कि उसके लिए अलग से हमें ड्राफ्ट बनाने की आवश्यकता होगी, तो इसलिए एक्स्ट्रा वार्प में ड्राफ्ट हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं जबकि एक्स्ट्रा वेफ्ट में ड्राफ्ट सरल होता है क्योंकि एक ही वार्प हमारा काम करता है। अगला उत्तर है फिगर प्रभाव कम प्रमुखता से प्रदर्शित होता है, एक्स्ट्रा वार्प में जो फिगर का इफेक्ट है वो कम हाईलाइट होता है जबकि एक्स्ट्रा वेफ्ट में बहुत अच्छे से इफेक्ट हाईलाइट होता है क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा वार्प में वार्प का टेंशन अधिक होने के कारण फिगर खींच जाता है जबकि यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट कम टेंशन की वजह से अच्छे से दिखाई देता है। अगला अंतर है जहाँ एक्स्ट्रा वार्प में सरप्लस एक्स्ट्रा थ्रेड्स को डिस्पोज करना हटाना थोड़ा सा कठिन है और महंगा भी है कॉस्टली भी होता है, जबकि एक्स्ट्रा वेफ्ट में सरप्लस थ्रेड्स को हटाना आसान और किफ़ायती है। अगला अंतर है एक सामान्य प्रकार के जैकार्ड पर काम करते समय रिपीट साइज में बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें ड्राफ्ट अलग अलग मोटिफ के अकॉर्डिंग लिफ्टिंग होती है तो जैकार्ड में रिपीट की साइज को सेट करने में प्रॉब्लम होती है, जबकि एक्स्ट्रा वेफ्ट में क्योंकि एक ही ताना काम में लेते हैं तो इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। और जो लास्ट जो अंतर है वो है एक्स्ट्रा वार्प में अधिक रंगों को हम काम में ले सकते हैं क्योंकि हमें अलग अलग कलर में बनाना होता है तो हम कई कलर उसमें काम में ले सकते हैं, जबकि एक्स्ट्रा वेफ्ट में शटल बॉक्स की जो क्षमता है जो ड्रॉप बॉक्स हम काम में लेंगे उसमें जितने कलर्स यूज कर सकते हैं या जितनी शटल हम उसमें यूज कर सकते हैं उतने ही रंगों तक ये सीमित हो जाता है। तो इस लेक्चर के बाद मुझे लगता है कि फिगरिंग विद एक्स्ट्रा थ्रेड जिसमें एक्स्ट्रा वार्प और एक्स्ट्रा वेफ्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे और आगे के जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उनमें और अच्छे से आपको वीव फैब्रिक डिज़ाइन के बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।